तोलकापियम किसका नाम था? तोलकापियम तमिल व्याकरण पुस्तक का नाम था। संगम काल के दौरान भूमि कर के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? संगम काल के दौरान करई वर्ड्स का यूज किया जाता था। अमाइचर शब्द का वर्णन संगम काल के दौरान निम्नलिखित में से किसके रूप में किया गया? अमाइचर मंत्रियों को कहा जाता था। वेल्लार बड़े स्वामियों को कहा जाता था। उझावर साधारण किसान हुआ करते थे। कैदी सियार ये भूमिहीन श्रमिक होते थे। कर्मकार ग्राम प्रधान नहीं होते थे, ये काम करने वाले होते थे। और का डी गलत होगा। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? संगम कवियों में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, ये गलत है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ये बिल्कुल सही है। कुहार और कावेरीपट्टनम निम्नलिखित में से किस वंश का बंदरगाह था? ये चोल वंश का बंदरगाह था। पहले के चेरा डायनेस्टी के किस राज्यों पर शासन था? पहले जो चेरा डायनेस्टी था वो तमिलनाडु और केरल पर राज करता था, ऑप्शन ए सही होगा। शिल्पादिकरम एक तमिल महाकाव्य है जिसे इग्लो आदिगल ने लिखा था। शिल्पादिकरम को इग्लो आदिगल ने लिखा था। चोल, चोल का जो प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था, यहाँ चीता दिया हुआ है, चोल का बाघ। वन का बी करेंगे। चेर, चेर का प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण था, बी का सी होगा। और पांडे का मछली था, याद रखने के लिए आप जान सकते हैं अर्जुन पांडव थे जो कि मछली के आँख में निशान लगाए थे, तो पांडे का मछली था। पांडवंश की राजधानी कहाँ थी? पांडवंश की राजधानी मदुरई थी और उरई उर चोल वंश की राजधानी थी।